अयोध्या से आ रही है महिला कांस्टेबल पर हमले के मामले में आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनीस मारा गया। पुलिस ने अनीस के दो साथियों को गिरफ्तार किया है। यूपीएसटीएफ ने बदमाशों पर 1,00,000 का इनाम रखा था। बदमाशों ने ट्रेन में महिला कांस्टेबल पर हमला किया था और इस मामले का मुख्य आरोपी ढेर कर दिया गया है, जबकि उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि जो भी यूपी में महिलाओं के ऊपर हमला करेगा, अत्याचार करने की कोशिश करेगा, उसे अगले मोड़ पर यमराज का सामना करना पड़ेगा। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी मुठभेड़ से जुड़ी हुई और पूरा ये मामला क्या है? देखिए, सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया था, उसको लेकर इस पूरे मामले की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी। पिछले दिनों यूपीएसटीएफ ने कुछ संदिग्ध के फोटोज जो हैं वो जारी किए थे और 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसी कड़ी में थाना इनायत नगर में इन अभियुक्तों की जानकारी यूपीएसटीएफ को और एसओजी टीम को मिली, जिसके बाद उसको उन लोगों को घेरने की कोशिश की, जिस पर जो है पुलिस कर्मियों पर इन आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें अनीस और इसके साथ साथ जो दोनों उसके साथी थे वो जो है फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस की फायरिंग में अनीश की मौत हो गई है और दोनों ही जो और अन्य आरोपी थे उनके पैर में गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। क्योंकि ये मामला जो है ये काफी हाई प्रोफाइल तब हो गया था जब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आनंद फानंद में इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी और 1,00,000 रुपए का इनाम जो है वो इन आरोपियों पर घोषित किया गया था। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।